भारतीय क्रिकेटर पहुंच चुके हैं दक्षिण अफ्रीका। जी हां, खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। भारतीय टीम 3 सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। इनमें T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह समेत दूसरे खिलाड़ी शामिल रहे। भारतीय टीम वहां 10 दिसंबर से T20 सीरीज में हिस्सा लेगी। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज होगी। पंकज आडवाणी ने नेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप के 6 रेड स्नूकर नॉकआउट में जगह बना ली। उन्होंने मुकाबले में दिल्ली के अविनाश कुमार को हराया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खेलते नजर आएंगे। वो चोट की वजह से करीब साल भर से टेनिस से दूर है, पर अब अगले साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई। इसमें नडाल का नाम भी शामिल है। ये टूर्नामेंट अगले महीने 14 जनवरी से खेला जाएगा। मेजबान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच ढाका में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। दरअसल बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। ऐसे में पूरे दिन का खेल रद्द करना पड़ा। वैसे बांग्लादेश की पहली पारी 172 रनों पर ही सिमट गई थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट पर 55 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ अभी टेस्ट से संन्यास नहीं लेंगे। स्मिथ के मैनेजर वारेन क्रैग ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया। असल में डेविड वार्नर ने अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है।